आज हम पढ़ेंगे इंडियन रिवर, जो हमने पढ़ा रखा था पहले। हमने पढ़ा था इंडियन रिवर दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगी, एक होगी हिमालय, दूसरी होगी पेनिनसुला। हिमालय तीन में डिवाइड है, तिब्बत, नेपाल और इंडिया। पेनिनसुलर को हम आज पढ़ेंगे, हम पुराना रिवाइज करते हैं कि हमने कितना पहले पढ़ लिया था। अब देखो तिब्बत के अंदर जो रिवर आती हैं वो आती है इंदस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत के अंदर आती हैं। अब नेपाल के अंदर आती हैं रिवर कोसी, घाघरा, सप्तकोसी और गंडक। सारी रिवर्स आप लिख लेना अपनी कॉपी में, मैं इनका मतलब समझाऊंगा अभी कहाँ काम आने वाले हैं। अब इंडिया की बात है, इंडिया में जो रिवर आती है वो आती है ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी, गंगा और यमुना। जितना मैं लिखा रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ आप उसको लिख लेना, ये तभी काम आएगा, वरना सारा बेकार हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इंडिया के जो रिवर हैं, पांच रिवर, एक दो तीन चार पांच छह रिवर हैं। ये छह रिवर में से ब्यास, झेलम, चेनाब और रावी, ये सारी की सारी रिवर मिलती हैं सतलुज से। सतलुज मिलती है इंदस से। सतलुज मिलती है इंदस से, ये आपको पता चल गया। अब नेपाल की जो है, नेपाल की रिवर घाघरा, कोसी, सप्तकोसी और गंडक, ये सारी रिवर जाके मिलती हैं गंगा से, जो कि इंडिया में। तो गंगा की रिवर आपने देख ली कहाँ जाके मिलती है, कौन सी नेपाल की रिवर हमारे गंगा में आके मिलती हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब देखेंगे हम पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर का मतलब होता है वो एरिया जो तीन जगह से पानी से घिरा हो, तो नीचे का एरिया पड़ता है हमारा, तीन जगह से पानी से घिरा होता है। आज हम उसी को पढ़ेंगे, पेनिनसुलर रिवर, ये हमारा आज का टॉपिक है। यमुना में चार रिवर आके मिलती हैं, चंबल, सेन, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये जाके चारों के चारों रिवर हमारी यमुना में आके मिलती हैं। अब अरेबियन सी में देखते हैं,
अरेबियन सी के रिवर हैं लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और शेरावती, ये सारे के सारे अरेबियन सी मिलती हैं। अरेबियन सी है हमारे वेस्ट में, ईस्ट में, एक सेकंड, हाँ वेस्ट में है, वेस्ट में। ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर, इसको उस तरफ लेके जाएंगे पूरा, ये हमारा पूरा ईस्ट है। ये और भी उस तरफ जाएगा, उस तरफ ही जाएगा, लेकिन इसको छोड़ो। ये ईस्ट वाला है, ये वेस्ट वाला है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये पड़ता है हमारा अरेबियन पड़ता है, ये पड़ता है बे ऑफ बंगाल, और ये पड़ता है हमारा इंडियन ओशियन। अब हम लोग देखते हैं बे ऑफ बंगाल की रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये हमारी चार रिवर हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। जो रिवर वेस्ट में जाके गिरेगी उसे बोलेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो रिवर ईस्ट में जाके गिरेगी उसे बोलेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये रिवर ईस्ट में जाके गिरती है सारी की सारी रिवर ईस्ट में जाके गिरती हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, इन्हें बोला जाता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये ज़्यादातर वेस्ट में जाके गिरती हैं सारी की सारी, तो इन्हें बोला जाता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है जो यमुना में जाकर मिलें, वो नदियाँ जो यमुना में जाकर मिलें। अब हम आगे बढ़ते हैं, यमुना जहाँ से निकली है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है, उसको बंदरपूछ भी, यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपूछ भी बोला जाता है उसको। बंदरपूछ एक पॉइंट है जहाँ से यमुना निकली हुई है, और ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। अब देखो जो यमुना में आके रिवर मिलती हैं, ये हमारी गंगा है, ये हमारी यमुना है, ये हमारी चंबल है, चंबल पे ये चार पॉइंट है, ये हमारी सिंध है, ये हमारी बेतवा है, ये हमारी केन है, ये और यहाँ से जहाँ से केन निकली हुई है वहीं से सोन नदी जाती है और वो जाके सीधी यमुना में जाके मिलती है। तो सिर्फ सोन ही नदी है जो, सॉरी गंगा में जाके मिलती है, यमुना में नहीं, गंगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, गंगा में जाके मिलती है, बाकी चार की चार नदियाँ यमुना में जाके मिलती हैं। ये जो पॉइंट है इन्हें बोला जाता है बांध, ये बांध है, बांध डैम। तो चंबल नदी पर चार डैम है, कोटा बैरेज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। जवाहर सागर और गांधी सागर ये तो एमपी के हैं, और कोटा बैरेज और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान के हैं। ये राजस्थान में डैम है, ये चार डैम हैं जो चंबल नदी पे हैं, इन्हें याद कर लेना, आप लिख लेना। जो लॉन्गेस्ट रिवर है जो अरेबियन सी में गिरती है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो अरेबियन सी में गिरती है, मतलब इस तरफ गिरती है वेस्ट में, उसे बोला जाता है नर्मदा। वो एक रिवर है नर्मदा, उसे आप लिख लेना नर्मदा। नर्मदा माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है, साबरमती रिवर सबसे पॉल्यूटेड रिवर कहला जाती है, सबसे पॉल्यूटेड रिवर अगर पूछी जाए तो साबरमती रिवर है। इसमें सिर्फ इतना ही, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो नर्मदा रिवर पे जो हिल स्टेशन उसका नाम है पंचमढ़ी
मड़ी। अब जो वाटरफॉल है वो है धुआधर, धुआधर नर्मदा रिवर पर जो वाटरफॉल है उसका नाम है धुआधर। अब बे ऑफ बंगाल में हमने पढ़ लिया, तिब्बत पढ़, नेपाल पढ़ लिया, इंडिया पढ़ लिया, जो रिवर कहाँ जाके मिलती हैं, और हमने पढ़ लिया यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगा, हमने सब पढ़ लिया। हमने अरेबियन सी पढ़ लिया कि कौन सी रिवर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अरेबियन सी की सिर्फ दो ही रिवर है जो इंपॉर्टेंट हैं, तीन रिवर सॉरी, माही, साबरमती और नर्मदा। नर्मदा सबसे लंबी रिवर है जो अरेबियन सी में होती है, साबरमती सबसे पॉल्यूटेड रिवर है, और माही रिवर दो वाटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। यमुना हमने पढ़ लिया, अब बची हमारी बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल हम पढ़ेंगे अभी। बे ऑफ बंगाल में मैकाल हिल है, एक मैकाल हिल है, मैकाल हिल एक हिल है जिसका नाम मैकाल है, वो एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। एमपी में मैकाल हिल है, यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है महानदी। टोटल हमारी चार रिवर हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जो रिवर तो बहुत सारी हैं, हम हमारे इंपॉर्टेंट सिर्फ चार ही हैं कि चार रिवर जो हमारे वेस्ट ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। महानदी, अब महानदी में चार रिवर आके गिरती हैं, ब्रह्मानी, ब्रह्माणी, हसदो, नंद और तेज। ये चार नदियां हैं जो महानदी में आके गिरती हैं। ये ट्रिब्यूटरीज आपको याद हो जाएंगी, मुझे पता है आपको याद हो जाएंगी, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब एक गोदावरी है जो नासिक, जैसे कि हमारे यहाँ घाट होते हैं घाट, तो जैसे हमारा इंडिया है, मान लो हमारा इंडिया है, तो ये हमारे जन ये पानी वाला इलाका आ गया, तो ये घाट कहे जाएंगे, इन्हें बोला जाएगा। ये वेस्ट में है तो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ये ईस्ट में है तो ईस्टर्न घाट, इन्हें बोला जाएगा। तो वेस्टर्न नासिक पड़ता है तो वेस्टर्न घाट में पड़ता है, तो वेस्टर्न घाट में नासिक है। नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, 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 ये दोनों एक साथ ही वर्ड है, त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से हमारी गोदावरी निकली है, गोदावरी नदी। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है भारत में, दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जिसमें तीन नदियाँ आके मिलती हैं, सिलेर, प्रणहिता और मजीरा। सिलेर, प्रणहिता और मजीरा, ऐसे ही हमारे महाबलेश्वर एक जगह है, वहाँ से कृष्णा नदी निकली हुई है, और नहीं, एक और मजीरा और इंद्रावती। ये चार नदियाँ हैं जो गोदावरी में आके मिलती हैं, इंद्रावती। चार नदियाँ हो गई जो गोदावरी में आके मिलती हैं, महानदी में भी चार नदी मिलती हैं, गोदावरी में चार नदी मिलती हैं। अब आता है महाबलेश्वर, कृष्णा नदी। महाबलेश्वर एक जगह है, महाबलेश्वर, महा बलेश्वर मैं कृष्णा नदी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकली हुई है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट है इसका महाबलेश्वर। तो कृष्णा नदी यहाँ से निकली हुई है, तो कृष्णा नदी जब यहाँ से निकली तो यहाँ पे इसमें तीन नदियाँ आके मिल, छः नदियाँ, पांच नदियाँ आके मिलती हैं, तीन नदियाँ ऊपर से, मान के चलते हैं तीन नदियाँ ऊपर से हैं और दो नदियाँ यहाँ से हैं। इस नदी का नाम है टुंगभद्रा, इसका नाम है मूसी, इसका नाम है भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा। ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो CDS के लेवल तक का है, SSC, UPSSSC, SSC, UPSSSC, दिल्ली पुलिस, ये सभी एग्ज़ाम्स में काम करेगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए।
NDA में, CDS में, ये हर जगह आएगा। मैं आपको लास्ट लेवल तक का पढ़ा दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट UPSC में, NDA, CDS में सब जगह आता है, तो ध्यान दीजिए और जितना पढ़ा रहा हूँ उससे नोट्स बना लीजिए, अपने नोट्स से सब कुछ समझ आता है। तो तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सारे की सारी नदियाँ कृष्णा नदी में आके मिलती हैं। तो ये सारी नदियाँ कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। ट्रिब्यूटरीज ऐसे ही हमारी तीन नदी हो गई, अब बची लास्ट नदी कावेरी। कावेरी ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में एक जगह है ब्रह्मगिरी, वहाँ से ये निकली हुई है कावेरी। इसकी चार ट्रिब्यूटरी है, अमरावती, हेमावती, कवानी और लक्ष्मण तीर्थ। जो अब इस पे जो महानदी है, इस पे डैम है, एक डैम, उस डैम का नाम है हीराकुंड डैम। एशिया का सबसे बड़ा डैम बोला जाता है हीराकुंड डैम। अब पूछा जाए किस नदी पे है तो आपको बता देंगे महानदी पे है। और दूसरी सबसे बड़ी रिवर कही जाती है, वो कही जाती है गोदावरी। तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली नदी गंगा है, दूसरी गोदावरी है। और सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम है, जो कि महानदी पे है। ये यहाँ पे अगर कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है कि होने वाली है। नर्मदा रिवर में आपको दिखा दिया है, बता दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए कि मैंने कैसा पढ़ाया। कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं अगली वीडियो में और इम्प्रूव करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू।